हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त तंदुरुस्त हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका दिन आज का अच्छा रखे और आप सभी अच्छे से रहे। मैं अभी बस यही मार्केट तक जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने। देखो, मैं भी आपको यहाँ की मार्केट दिखाती हूँ। ये रहा मेरे घर के सामने का रोड। ये बस मेरे घर से 2 मिनट की दूरी पे, 2 से 5 मिनट की दूरी पे मार्केट है। ये देखिए, ये हमारी जूली। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारी कॉलोनी का अंदर मंदिर है। सारे कॉलोनी वालों का मंदिर बना है यहाँ पे। ये देख लो, आप सभी। आज बहुत ज्यादा धूप खिली है। ये हमारे कॉलोनी की एंट्रेंस गेट है। बट आज मार्केट पूरी खाली खाली नजर आ रही है। शायद इसलिए बंद है कि रक्षाबंधन है। आज सारे भाई बहन अब अपने घर पे होंगे। देखिए, यहाँ पे रोड का काम भी चल रहा है साइड में। ये स्टोर है यहाँ पे, प्रेरणा स्टोर। हम यहीं से हमेशा शॉपिंग करते हैं अपने किचन से रिलेटेड ग्रोसरी की। चलिए मैं आपको भी अंदर से दिखाती हूँ। देखो, ये यहाँ की एंट्रेंस है अंदर की। यहाँ से चलो। ये देखो, ये यहाँ का स्टोर है। यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है किचन से रिलेटेड। ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड रहे यहाँ पे। हेलो तो कर दो, इधर मुड़ो। ये देखिए, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। इधर आओ। इसमें ऊपर सेकंड और थर्ड फ्लोर भी है। और मैं आती हूँ अपने। क्या ले रहे हो? अच्छा, बाथरूम के लिए ले लो। दिखाना इसकी, ये तो कार वाला है ना। ये देखिए, और मैं आ जाती हूँ अपने फेवरेट वाले सेक्शन में, जो कि मेरा ये वक्त है। पर अभी आप बट नहीं सकते। मैं अभी यहाँ से कुछ भी ले नहीं सकती, ना खा सकती हूँ। ये देखिए,
एक फ्रूटी तो ले ही सकती हूँ मैं, इसको गर्म करके पी लूंगी, गर्म हो जाएगी तो। कहाँ है, मुझे दिख नहीं रही इसमें। बट मुझे इसमें फ्रूटी दिख नहीं रही है कहीं। कौन सी? एप्पी ले लो, एप्पी। बस मेरे नसीब में एक यही है, ये भी थोड़ा गर्म हो जाए तभी उसके बाद पी सकती हूँ। ये बड़े वाले दीदी बड़े वाले भैया को राखी पहना रहे हैं, यानी कि मेरे जो बड़े वाले ननद है ना, मेरे जेठ जी को राखी पहना रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि आज तक इनका ऐसे मिलना नहीं हुआ साथ में। काफ़ी टाइम क्या, काफ़ी सालों के बाद ऐसा मौका मिला है कि ये चारों भाई बहन इकट्ठे हुए हैं राखी बांधने के लिए। दीदी अब ये इनकी बारी है, अब दीदी इन्हें राखी बांध रहे हैं, इनको भी काफ़ी टाइम के बाद ही राखी बांध रहे हैं, क्योंकि इनका भी ऐसा मिलना साथ नहीं हुआ दोनों का कि एक दूसरे को राखी बांध पाए, काफ़ी टाइम बाद ही राखी बांध रहे हैं। देखो देखो ये मेरे जेठ जी का बेटा है और दीदी इसे भी राखी बांध रहे हैं, क्योंकि जो दीदी की बेटी है उसे फीवर हो गया था, वो आ नहीं पाए, तो उसके बदले ये ही इसे राखी बांध रहे हैं। आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करिए और देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वॉचिंग टाइम पूरा देना मेरी वीडियो को, प्लीज़ स्किप करके मत देखना वीडियोज़ को। ये मेरे जेठ जी का छोटे वाला बेटा है, दीदी इसे भी राखी बांध रहे हैं दिशा की तरफ से, जो कि मेरी ननद की बेटी है। फर्स्ट राखी बांध के खुश हो रहा है। बेंजी, बेंजी। अरे भाई साहब, भाई चा बच मम्मा मम्मा। मैं आपको ना देहरादून का व्यू दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे घर की छत से तो दिख नहीं पाता है, यहाँ हमारे घर के पास में बिल्डिंग बनी है, तो मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। वेट, और एक चीज़ आप ये देख लिए, देख लीजिए यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, अब यहाँ से कैसे ऊपर जाना है। आप आगे चलो, मैं आपको हाथ पकड़ के चलूँगी, चलो या तो मैं ऐसे आऊँगी। देखिए उफ, तो गिरने में उफ, ओ माय गॉड। ये देखिए अब यहाँ से आपको देहरादून के नज़ारे, ये सहजदा क्या है, सहजधारा, सहजधारा, ये देखिए वो देखिए, आगे तक जितनी आपकी नज़र जाए आगे तक वो पूरा देहरादून है। आगे तो बल्कि धुंध पड़ी है, आगे उतना दिख भी नहीं पा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, और पीछे देखो, वो देखिए सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये मसूरी है, मसूरी के पहाड़ है यहाँ पे। देहरादून की रानी मसूरी और हमारे हिमाचल की रानी शिमला, ये देखिए। बस हमें यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, ये कुछ इधर बैकग्राउंड।
ये हमारा घर, आगे जाने में ही डर लग रहा है, अब इससे ज्यादा तो मैं जाऊंगी नहीं आगे। ये देखिए, ये देखिए, बताना आपको हमारा देहरादून कैसा लगा, पर धूप बहुत ज्यादा हो रही है। ये देखिए, चलिए मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में, जब छोटे वाली दीदी आ जाएगी तो। ये पहुंच गए छोटे वाले दीदी। अरे श्री, नमस्ते दीदी। नमस्ते, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? बढ़िया। हेलो चली, ये तो भैया ये चिली, आज तो आप चुंदल चुंदल हो लेके चिली। वाओ चिली, वाओ चिली, वाओ चिली। चिली ने बात देखो, चिली फोटो खींचे। अरे स्वागत, अरे नीचे आओ, स्वागत करो। स्वागत, ये हमारा करोगे तुम? स्वागत करो भाई, स्वागत करो भाई, स्वागत। अरे यहाँ देखो तो पैसा दो, पैसे चुन्नी डाल रखे, चुन्नी चुन्नी डाल रखे। अरे यही सभी सारे भाइयों की बहन है, बहुत बड़ी बहन आई हुई है। तीन भाइयों की इकलौती बहन पहुंच गई। आ गई मासी के पास। इधर मम्मा के पास कैमरा चाहिए। इधर देख चिरी, चिरी इधर देख। हेलो गाइस, कैसा रहते थे आपका रक्षाबंधन? आप सुबह ही चले गए हैं? सुबह है 7:05 तक मुहूर्त था, इसीलिए मैं 5 उठी थी, नहाई धोई सबसे पहले, फिर मैंने इनको उठाया, ये नहाए, उसके बाद में गई। और जब आप चले गए उसके बाद जाके हम उठे, फिर कैसा रहा? बढ़िया, आपने भी शायद काफी टाइम बाद राखी बांधी ना। कब निकालोगे? ये दीदी यहाँ पे राजमा की दाल छौंक रहे हैं, प्याज चौक कर रहे हैं। आज दीदी का, दीदी के हाथ का खाना मिलेगा काफी टाइम बाद। दीदी कितने टाइम बाद खाना बना रहे हो, वरना आपको तो टाइम ही नहीं मिलता ड्यूटी से, काफी दिन हो गया। आज दीदी का ऑफ था इसलिए मजे कर रहे हैं आज।
अच्छा, फेवरेट तो ये राजमा की सबकी है ना। देखो आज दीदी का छौंका किस तरह से मारते हैं, किस तरह से अपने स्टाइल में दाल बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, ये दूध आ गया था उबाल के रख दिया है दूध, और यहाँ पे हमारे मटर पनीर बन गया है। ये राजमा की दाल है, ये पकाने को रखी थी, पक गई है। उस दिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, उस दिन मुझे पूछना पड़ता है कौन सी चीज का है। तो अभी मुझे लहसुन मिली बड़ी मुश्किल से। कितनी? वो भी 3-4। अब बताओ, इसमें सोच रही हूँ कि अच्छा खाना मिलेगा, कैसे मिलेगा? स्वाद तो है हाथ में, तो क्या हाल है आप लोगों के? ये हमारे हमारे घर में बस यही दो कुक है। ये देवर भाभी की जोड़ी खाना बनाने में एक जैसा, और खाना भी इन दोनों के एक दूसरे के हाथ का बड़ा पसंद है, चटपटा। जीरा ऐड कर दिया दीदी ने इसमें। हम मसाले ढूंढ रहे हैं, मसाले नहीं मिलेंगे दीदी को। हींग हींग ऐड कर दी दीदी इसमें। ये दीदी का खजाना जो दीदी कभी कभी यूज करते हैं। इसमें खाने का क्या फायदा? ये एक बात बताओ, इसमें खाने का क्या फायदा है? फायदा क्या है? जो स्वाद लगा के खाओगे आप, वो फायदा है। मेरे को स्वाद नहीं चाहिए, मेरे को तुम तीखा चाहिए। तीखा दो बर्गर, एक पिज्जा, 5 कोल्ड ड्रिंक, 2 प्लेट फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, मोमो, सब कुछ, बस इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। प्याज ब्राउनिश हो जाएगा जब तक दीदी टमाटर काटते हैं। ये छोटे वाले दीदी बड़ी 300 किलो 350 किलोमीटर दूर सफर तय करके पहुंचे आपसे। ट्रैफिक कितना लगा? ये सबसे ज्यादा दूर से आए, क्या करूं, तभी तो इतने देर में आए, जबकि इनका रास्ता यहाँ से आधे घंटे का भी नहीं है। दूर से तो ये वाला दीदी है, मेरे से ज्यादा दूर। ये देखो, और सबसे ज्यादा दूर तो इनका मायका है, इनका मायका तो 4-5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। चला दो भाई। ये तुम भी आओ भाभी, राखी की थाल तैयार हो गई है। भाभी बुला रहे है बाहर राखी बांधने। ये राजमा की दाल तभी अच्छी लगती है अगर इसको घोट के बनाए, है ना? लहसुन आपने डाल दी काट के, वही काफी है, यही कर दो। ये मम्मी ने पिर्स पोर में मिर्ची पीस रखी है, पर इसका घर हमारे घर में बहुत कम यूज होता है, क्योंकि हमारे घर में दाल नहीं देते कोई इसे। आज मैं आपको दीदी का लुक दिखाती हूँ, चलो बाहर जाके दिखाऊंगी आज दीदी ने कितने टाइम बाद सूट कुर्ता पहना है, वरना इनको इनकी ड्रेस से फुर्सत नहीं मिलती।
ये छोटे वाले दीदी है, यानी कि मेरे छोटे वाले ननद है, ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे हैं। बस ये भी भैया को राखी बांधते हैं, इसके बाद ये राखी बांधेंगे। बस सीधा करना हाथ, मेरे हाथ इधर देखना दीदी, दीदी देख आशीर्वाद ले रहे हैं। बस दूसरे भाई की बात, देखो इधर देखो चिरी, अब क्या बोला तो सिरी को बांध दे, सिरी सिरी पे लाएगी, क्यों क्यों भी दे पे रहा है तू, वो पर बेस्ट है तू पहली की तरफ से और शिवो की तरफ से कोई नहीं बांध रहा, ये वाले भी सिरी को तो बांध, सिरी वाले का अलग नहीं, सिरी ले चिल्ली ले अब इसकी बुंदी काट दो, पकड़ पकड़ रखा है भाभी और ननद एक दूसरे को राखी पहना रहे, तो भाइयों के साथ बहन भाभी पहले तो भी वो तो हो जाएगी एडिट, इधर देखना इधर देखना कोई बात नहीं पापा लो साथ है।
बेटा फोटो तो खींच लो साथ में बैठ के। चलो मेरी मम्मा आज कितनी सुंदर दिख रही है। देखो गाइस आज मेरा बच्चा कितना प्यारा दिख रहा है, कितना प्रीटी क्यूट क्यूट से दिख रहा है। आज इसको रक्षाबंधन की बहुत ज्यादा खुशी है, इसने पहली बार आज राखी बांध दी है। आज इसका पहला त्योहार था रक्षाबंधन का, दो दो बहनों ने आज इसको राखी बांध दी है। ये मेरे बेटे को